हमारी महारानी लकड़ी लेकर जा रही है। अच्छा लगता है तुम्हारे में, सूट करता है। Hey guys, good morning. Welcome to new blog. तो पापा जा रहे हैं अभी बकरी चराने के लिए। जैसे कहे देखो कुल्हाड़ी को कैसे पकड़ लिया है। ऐसे गांव के लोग ही ऐसे पकड़ते हैं, बाहर के लोग ऐसे नहीं पकड़ सकते ना पापा। अभी का टाइम हो रहा है 12:38, तो मम्मी अभी काम करने जा रही है, सब काम करने जा रहे हैं। आज चर्च बैठे थे ना, इस वजह से लेट हुआ। तो देखो कैसे सिर में रखी है, क्या है मम्मी, है विंडो, विंडो बोलते हैं। गणेश रखने जानती है वैसे, गुंडरी बना के दे देते तो रख लेती। तो यहाँ पे बर्तन वर्तन धो रहे हैं, खाना वाना खा के अभी दोपहर को देखो इन लोग धो रहे हैं। सुबह क्या कर रहे थे दा? अभी खाए हैं, हर धूप में धो रहे हैं। मम्मी और पापा जा रहे हैं काम करने के लिए, काम करने जाना ही है, चले गए भाई। हम क्या करेंगे अभी देखते हैं, हम कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। फुल नेटवर्क नहीं है। आज के बाद गणेशी महारानी हमारी चली जाएगी पढ़ाई करने के लिए। गणेशी आप कल जाओगी तो उसके खुशी में आपको मैं क्या खिला सकता हूँ आज बताऊँ? खुशी है जी। सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कोई बात नहीं। गम नहीं, गम नहीं, नहीं, नहीं। मेरा बात तो सुनो पहले, आप कल जा रहे हो तो मैं क्या खिला सकता हूँ, मेरे साइड से बोल रहा हूँ। सीधे बोलो, अपने को खाने का मन कर रहा है। हमारी महारानी लकड़ी लेके जा रही है। अच्छा लगता है तुम्हारे में, सूट करता है। लोगों को ऐसे नसीब नहीं होता है पता है, लकड़ी नसीब नहीं होता है। लोग चाहते हैं हम लकड़ी से खाना बनाएंगे, तुम्हें तो ये भी सौभाग्य हो गया कि तुम लकड़ी से खाना बना रही हो। मुझे ये सौभाग्य बचपन से मिला है। हाँ? तो अब तुम्हारा सौभाग्य बदलने वाला है पुत्री, तुम्हारा सौभाग्य। क्या मिलने वाला? बदलने वाला है बहुत जल्दी। क्या मिलेगा? बहुत जल्दी बदलेगा ना, बदलने के लिए कोई थोड़ी बता दे। आग जला देता हूँ अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से परेशान है। परेशान है तो प्रिस्का को लाइक करिएगा। अभी ढूंढने नहीं गई, रहने से कितना समय आती बता, तो कैसे आती नहीं आती है आज रात भर नहीं आती। तो पप्पा तो पहले आता है पर भी कभी नहीं खोजता है, एक आध दिन ढूंढने जाना फिर उधर ही सो जाना। तो आज मम्मी को हिंदी सिखाएंगे। हाँ। मम्मी को हिंदी नहीं आता है। आता है पर उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता बोलने के। मम्मी बोल रही है कि मुझे नहीं आता, हंस देंगे बोल रही है, बात नहीं करती हूँ बोल रही है। बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ में रहने वाले तो मम्मी को आज हिंदी से बात करेंगे, ठीक है। मम्मी एक बात पूछूं? आज मम्मी को पूछते हैं बहुत पुरानी पुरानी बातें, और जो हमें भी पता नहीं है, बचपन की यादें। हाँ, जो हमें पता ही नहीं है। मम्मी आज बताओगी ना, आप पढ़ने गए नहीं गए हो मम्मी? 8 दिन गए हो। 8 दिन बस, 8 दिन पढ़े हो सही में, गजब यार। तो बताओ मम्मी कितने साल में शादी किए? छोटा मतलब कितना छोटा? जब छोटी थी मम्मी। हाँ। कितना उम्र, कितना साल हो रहा था? 5 साल, 10 साल, 20? हाँ छोटे में करते थे पहले, 5 साल में करते थे। 15 साल में, 15 साल में कर लिए, 15-16 साल में, 15-16 साल। अच्छा, पहले शादी करते थे क्या करते थे बताओ? अरे बीच में बैठा देते थे ना, और उसके बाद गाना गाते थे डोली। हाँ, मैं खुद देखा हूँ पता है, हमारे जो खेत के पास घर था ना, तो वहाँ खेत के मेड़ मेड़ में चल के जाते थे ना मम्मी। मम्मी स्कूल भी नहीं गई है ना, दस्कत मारने जानती है बताओ, इतना इंटेलिजेंट है मम्मी हमारी, स्कूल एक भी देखी नहीं है बताओ, वो दस्तखत मारने जानती है, आप जानते हो? हम स्कूल गए हैं। अच्छा, पहले जमाने में बोलते थे कि चौथी पांचवी तीसरी भी पढ़े रहते हैं ना, तो फिर वो मतलब नौकरी लग जाता था न मम्मी, पहले जमाने में ऐसे होता था ना, बिना पढ़े भी नौकरी लगा देते थे पहले, मतलब कोई कौन सा नौकरी लगता है, कोई होशियार रहते थे वैसे टाइप के, तो उसको देख देख के पहले नौकरी लगाने। हमको अभी पैदा नहीं होना था गाइस। मुझे पैदा होना था उस जमाने में जब पढ़ना नहीं पड़ता था। तो अभी और तो... अभी नौकरी पाने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा। उस समय जनसंख्या भी कम था, हो गया इसी वजह से ना, इसी वजह से पढ़े लिखे भी नहीं थे। हाँ, पढ़े लिखे भी नहीं थे, इसी वजह से पहले नौकरी खोज खोज के। अभी तो नौकरी की मारा मारी है।
तो ऐसे ऐसे लाइफ से गुजरी है मम्मी। अभी मम्मी का कितना उम्र हो रहा है? 50 ना मम्मी, कितना हो रहा है? स्कूल नहीं जाते थे ना, तो घर लेने आते थे पहले। ए पीला धर ही ना, तहां गोड़ ला धर ही, तहां चार दिन ले जही उठा के लेते थे पहले। जबरदस्ती हाँ, ऐसी खतरनाक लानो रही फलना ला कहीं गुरुजी। पहले डर से स्कूल नहीं जाते थे पता है लोग, डर से मारते भी थे, बहुत भयानक वाला मारते थे। मैं तो खूब मोर नाम लकटवाए दिन नाम मोर नाम लकटवाए जो तो ठीक बार गोटे गिरी बार डार गिरे रही जो स्कूल करा ये थान जुनडी में तो मैं नकदे स्कूल ढूके बार नकदे सौंप करो रोज दिन जो है जा ढूक जाऊ कई। अरे मम्मी गोर मोरा यो हर कटवाए दिस मोर नाम ला पढ़ू कई के मोर दादा मन भाग दिन जो मोर भैया मन खोज काला छोटे छोटे रहन ताने ताहले कौन हर भूती बानी करती सब कौन हर गरुआ मन चराती। पहले के लोग इसीलिए नहीं पढ़ पाए, खाने के लिए नहीं मिलता था, खाने के लिए नहीं मिलता था इसीलिए नहीं पढ़ पाए। हमन पोसे हैं हमारे बाप माँ, ऐसे होता था, इतना तकलीफ जिंदगी जीते थे पहले के लोग। मोर भैया मर रहती ना तो हमन पढ़े ला सो एक दे रहते छोड़ के भाग दिनों मन छोड़ कर रहे बुद्धि मोलानी रही तो मन निकल गयी अपने साइड से पकड़। अभी ठंड बढ़ गया तो सब स्वेटर वेटर निकाल रहे हैं। मम्मी पुराना स्वेटर निकाली है पहनने के लिए, देखो पापा पकड़ा है इधर पूरा कम्बल उम्बल ले रहा है, ठंड बढ़ गया तो अपना बिस्तर बनाने के लिए। मोर बड़का है हम लोग खाना वाना खा लिए मस्त और जाता हूँ अभी बाइक अंदर करता हूँ थोड़ा बाहर में। मम्मी क्या कर रहे हो यार? मम्मी ये बाइक को अंदर कर देते हैं भाई साहब। तो हमारा बाइक भी अंदर हो गया, अब चलते हैं अपने अपने प्रस्थान, अपने अपने घरों में, अपने अपने रूम में सोने के लिए। वाह बहुत ज्यादा ठंड है। ठंड के दिनों में मेरे को अच्छा लगता है, गर्मियों का दिन मेरे को पसंद नहीं है क्योंकि गर्मी में इतना ज्यादा गर्मी है ना, ठंड तो जैसे तैसे सहा ही जाता है। मुझे करते हैं रानी वानी ऐसे बिल्कुल नहीं करते हैं। और अभी चल रहा है हमारे घर में हमेशा की तरह कबड्डी, हमारे घर में हमेशा की तरह चल रहा है कबड्डी। या यार क्या बात है, आज बैलेंस खत्म हो गया था पता है। ना मम्मी डलाया हूँ मैं 200 रुपए देना मेरे लिए तुम लोग। चलो मैं तो कबड्डी नहीं देखता हूँ और मैं चलता हूँ अभी वीडियो एडिटिंग करूंगा, सोऊंगा, कल सुबह उठूंगा, फिर कल सुबह जाना है गणेश जी को छोड़ने के लिए। गणेश जी कल जा रही है रायगढ़ और इसे छोड़ के आऊंगा रायगढ़ में, तो कल परसों फिर निकलेगी, कल मतलब कि मेरा भी काम स्टार्ट हो जाएगा, मैं भी थोड़ा मोड़ा कुछ काम कर लूंगा। डिस्टर्बेंस नहीं यार, थोड़ा मोड़ा कुछ तेरे को पालने पोसने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मैं भी जाऊंगा कहीं पे जॉब वॉब खोजने के लिए, यदि किसी के पास जॉब है तो प्लीज मेरे से कांटेक्ट करें और मुझे जॉब दे दें प्लीज अपने थोड़ा छोटा भाई पर। मुझे भी पढ़ना है लिखना है यही तो करते हैं मेरे लिए, कोई नहीं आप सपोर्ट करिए और अगर कोई काम हो तो प्लीज दिलवाइए। यस तो आज का ब्लॉग आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल में हो तो सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय गाइस, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।